टॉस मेक यूनिवर्सल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन इन एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन. दिस इज एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग इन एज गुड एज न्यू कंडीशन. There is no noise at all in the wheel head of this machine. It is completely silent. The machine is complete with its internal grinding attachment. This is a high accuracy machine. It is equipped with a Marpos. इस मशीन में जॉब की एक्यूरेसी चेक करने के लिए Marpos भी लगा है और ये Marpos भी एकदम ठीक काम कर रहा है. The make of this machine is TOS Hostivar and the model number is BHU25. The machine is complete with lots of accessories with it. It has two spare flange, two point steady wheel dresser, एंगुलर व्हील ड्रेसर एज वेल एज अ थ्री पॉइंट स्टडी. इसमें थ्री पॉइंट स्टडी, टू पॉइंट स्टडी एंड दो अलग अलग व्हील ड्रेसर हैं. इट इज कंप्लीट विद इट्स कूलेंट टैंक, कूलेंट पंप एंड मैग्नेटिक फिल्ट्रेशन यूनिट. इसमें कूलेंट के लिए मैग्नेटिक फिल्ट्रेशन यूनिट भी है. दिस इज अ रिलेटिवली न्यूअर मॉडल ऑफ द टॉस सिलेंड्रिकल ग्राइंडर. इस मशीन में स्पिंडल कॉन्टिन्यूसली लुब्रिकेटेड है. एक अलग से पंप लगा है स्पिंडल की लुब्रिकेशन के लिए, जो कॉन्टिन्यूसली स्पिंडल में लुब्रिकेशन ऑयल भेज रहा है. ठीक है, ये पीछे वाला इसका हाइड्रोलिक टैंक है. ठीक, टू चेक फॉर द एक्यूरेसी ऑफ दिस मशीन वी हैव चेक द रिपीटेबिलिटी ऑफ द व्हील हेड. हमने इस पे यहाँ डायल लगा दिया है और बार बार अभी रैपिड में व्हील हेड को आगे पीछे करके इसकी रिपीटेबिलिटी या इसकी एक्यूरेसी को चेक करेंगे. अभी आगे लाए हुए हैं, पीछे ले जाओ. ठीक है, फिर से आगे ले आओ. अगर व्हील हेड अपनी हर बार आगे आने पे सेम पोजीशन पे आए, विच विल मीन दैट द रिपीटेबिलिटी ऑफ दिस मशीन इज वेरी गुड. ठीक है, अभी आगे है, पीछे ले जाओ. आगे ले आओ, फिर से. फिर से हम देख सकते हैं कि जितनी बार भी व्हील हेड आगे आ रहे हैं, वो हर बार लास्ट बार दिखा दो, हर बार अपनी एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे आ रहे हैं आगे आने पे. विच मींस दैट द रिपीटेबिलिटी और द एक्यूरेसी ऑफ दिस मशीन इज वेरी गुड. ठीक है, लास्ट दिखा दो. ठीक है, द रिपीटेबिलिटी फॉर दिस मशीन इज 0 microns. मशीन्स हाई एक्यूरेसी में काम कर रही है. दिस इज अ हाईली एक्यूरेट मशीन. इसमें एक्यूरेसी को चेक करने के लिए Marpos भी लगाया हुआ है. जो इसका Marpos है वो भी एकदम ठीक काम कर रहा है. ठीक है, करके दिखाओ. ठीक है, वी कैन क्लियरली सी द चेंज इन द रीडिंग ऑफ द Marpos. कर. ठीक है, हम देख सकते हैं कि इसके जो Marpos के दोनों है, नीचे वाला भी, ऊपर वाले से दिखाओ. ठीक है, Marpos भी एकदम ठीक काम कर रहे हैं. इसकी टेबल की अलग अलग स्पीड दिखा दो. एकदम स्लो कर दो वहां पहले. डिफरेंट स्पीड्स ऑफ द टेबल मूवमेंट. हमने अभी टेबल की स्पीड को एकदम स्लो कर दिया है. अभी भी टेबल चल रही है बट बहुत स्लो चल रही है. We can clearly see that even in this super slow speed of the table, it is moving perfectly smoothly. Table slow speed में भी smooth चल रही है, बिल्कुल भी jerk नहीं कर रही. हल्का सा तेज करो. ठीक है, अभी थोड़ा तेज कर दिया. और तेज करो. और
और तेज कर दो, और तेज कर दो। अब जो भी टेबल की फुल स्पीड है वो दिखा दो। ठीक है, ये टेबल की फुल स्पीड हो गई। ठीक है, अभी मीडियम स्पीड को करके छोड़ दो। ठीक है, इसमें जो रैपिड में व्हील हेड का आगे पीछे वो दिखा दो। ठीक है, ये व्हील हेड हम पीछे ले गए, जैसे ही पीछे ले जाते टेबल भी रुक जाती है और वर्कहेड भी रुक जाता है। आगे ले आओ। ठीक है, फिर से आगे ले आए तो दोनों चीज़ें चल गई। ठीक है, फिर से पीछे आगे ले आओ। ठीक है जी, इस मशीन में जो डिले का फीचर है वो दिखा दो। डिले फीचर, अभी हमने टेबल पे डिले का फीचर इंगेज कर दिया है। अब जब भी टेबल का लेफ्ट राइट में से कोई सा भी स्टॉपर लगता है तो टेबल हल्का सा रुक के चलती है। इस डिले को हम इंक्रीज करना चाहें तो इंक्रीज भी कर सकते हैं। इंक्रीज करना, इंक्रीज यानी बढ़ा दो, बढ़ा दो। ठीक है, अभी हमने डिले को बढ़ा दिया, ये अभी लेफ्ट और राइट ज्यादा देर रुक के चलेगी। वी हैव इंक्रीज द टाइम ऑफ द डिले, द टेबल विल स्टॉप फॉर मोर ड्यूरेशन नाउ एंड देन इट विल मूव। ठीक है, ये जो अभी डिले लगा हुआ है, ज्यादा लगा हुआ है, इसको आप खत्म कर दो, डिले को जीरो कर दो। ठीक है, अभी उसी इंस्टेंट पे एकदम से टेबल वापस हो जाती है, डिले को अभी हमने रोक दिया। डिफरेंट स्पीड्स ऑफ द वर्कहेड, जो वर्कहेड की स्पीड्स हैं वो 22.4 आरपीएम से लेकर 710 आरपीएम तक है। अभी हमने जो बेल्ट है वो हायर वाली स्पीड पे करी हुई है, करंटली ये 71 आरपीएम पे चल रहा है। करंट स्पिंडल स्पीड ऑफ द वर्कहेड 71 रोटेशंस पर मिनट। कोई तेज दिखा दो, हाँ उसको उस तरफ कर दो। हाँ ठीक है, ठीक है, वी कैन क्लियरली सी दैट द स्पीड ऑफ द वर्कहेड हैज इंक्रीज्ड 150 हो गई अभी, 150। अब इसकी जो भी सबसे तेज है वो दिखा दो, उस वाले लीवर को इस तरफ कर दो। हाँ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द वर्कहेड 710 आरपीएम, 710 आरपीएम। किसी भी स्पीड पे वर्कहेड के अंदर कोई आवाज नहीं है, द मशीन इज इन वेरी गुड कंडीशन। ठीक है, द मशीन इज इक्विप्ड विद अ हाइड्रोलिक टेल स्टॉप। फिर से, ठीक है, मैनुअल ट्रैवल्स, पहले टेबल का लेफ्ट हैंड दिखाओ। ठीक है, दूसरी तरफ। ठीक है जी, अभी व्हील हेड का आगे पीछे, अभी पीछे लेके जा रहे हैं, पीछे जा रहे। ठीक है, अभी पीछे जा रहे, आगे ले आओ, ले आओ, ले आओ और आगे ले आओ। ठीक है, वी कैन सी द ट्रैवल ऑफ द व्हील हेड। इस मशीन में माइक्रोफीड भी है, माइक्रोफीड चलाओ। द लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोफीड इन दिस मशीन इज 1 माइक्रोन। इसमें जो लीस्ट काउंट है वो 1 माइक्रोन है। इट इज अ हाईली प्रिसाइज मशीन, चलाओ। ठीक है, अभी ये माइक्रोफीड में चल रही है धीरे धीरे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पैनल ऑफ द मशीन, द मशीन इज कंप्लीट विद इट्स मैग्नेटिक कूलेंट फिल्ट्रेशन यूनिट, 2 पॉइंट स्टडी, 3 पॉइंट स्टडी, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हील ड्रेसर्स, स्पेयर व्हील फ्लेंज। इट इज इक्विप्ड विद अ वर्किंग मार्पोस, द लीस्ट काउंट ऑफ दिस मशीन इज 1 माइक्रोन। The machine is in overall excellent working condition.